डीडी एकेडमी के तरफ से आज प्रतिशत के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड बोलते हैं प्रतिशत के ऊपर जो है, जो सवाल है हर लेवल से है, उसे हम करें। और इसकी करने की एक ही हमारे पास उद्देश्य होगा कि हम किसी भी प्रतिशत के सवाल को छोटे पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल को मैं एक ट्रेंड की तरह बोल सकता हूं, क्योंकि आप जानते ही हैं इस तरह के सवाल बैंक में भी आते हैं, SSC CGL में भी आ चुके हैं, CHSL में भी आते हैं, और साथ साथ रेलवे में भी आपको देखा गया है 2016 में। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है। ए का वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। फिर बोलता है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। फिर बोलता है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है तो ए का मासिक वेतन कितना है। अगर आप इस तरह के मैथों का चर्चा नहीं किए हुए हैं तो एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, सुखद अनुभूति कभी नहीं होता इस तरह के सवालों से, बल्कि कंफ्यूजन का लिमिट बड़ा ही ऊपर लेवल में चला जाता है। देखिए हम इसे एक ब्लॉक मेथड में करते हैं, थोड़ा सिंपल में, एक स्वाभाविक पद्धति के अनुसार। तो देखिए हमने 3 घर खींच लिया फटाफट। अब देखो सी में ही एक है कि सी का वास्तव या प्रतिशत, बी का प्रतिशत, सी का प्रतिशत। फिर एक ही बार उसने डिस्क्लोज किया है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, रुपए में केवल सी के बारे में बोला है। तो पहले हमने सी डाला, सी का बोला 6 लाख रुपए, ये हमें मिला है। और बोलता क्या है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। मतलब सी का मासिक वेतन, देखो मासिक वेतन जो है वार्षिक वेतन को 12 से भागा देंगे तो निकलेगा, और अगर मासिक वेतन को 12 से गुणा कर देंगे तो वार्षिक वेतन निकलेगा। तो यहां पर यह संपर्क जब इस ब्लॉक मेथड में करते हैं तो ज्यादा दिमाग में उलझन नहीं करता है। हम लेते हैं सी का अगर वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है तो सी का वेतन का वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा, 60,000 रुपया होगा। 100 का 10% 10 रुपया होता है, 6 लाख का 10% 60,000 होगा, और कितना बोला है 40%। तो अगर हम 60,000 को 4 से गुना करते हैं, 4 × 24 तो कितना होता है 2,40,000। ये जो फिगर देख रहे हैं 2,40,000। तो इस तथ्य से और इस तथ्य से, ये दो लाइन से हमें पता चल गया बी का वेतन 2,40,000 है। अब जरा देखिए यहां पे 2% देख रहे हैं। क्या बोलता है, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, as 80% of B 25% of A, यही तो बोला है ना भैया, क्या बोला है, बी के वार्षिक वेतन का 80%, बी के वार्षिक वेतन का 80%, मतलब 80% of B सैलरी, ए के वार्षिक वेतन का 25%, मतलब 25% of A इक्वल। और हमें निकालना क्या है, ए का वेतन निकालना है। ए का वेतन पहले तो नेचुरली वार्षिक वेतन निकलेगा, और वार्षिक वेतन को 12 से भाग देंगे तो मासिक वेतन निकलेगा। अब देखो ये जो है हमें चाहिए किसके बारे में, ए के बारे में हमें निकालना है। अब देखो वेतन क्या होता है, 100% होता है,
वेतन 100% है तो मतलब इसको अगर मैं 4 से गुना कर देता हूं 25% को, तो ये हम अगर 4 से गुना करते हैं 25 चौके 100 हो जाता है, और 80% जब इधर भी 4 से गुना कर दिया तो इधर भी 4 से गुना करना है तभी तो बैलेंस होगा, तो ये भी हमने 4 से गुना किया। तो 80 को 4 से गुना किया तो कितना हुआ, चलिए अब हम देखते हैं, यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। 320% बी का जो होगा वो बराबर होगा 100% ऑफ ए। इसमें तो कहीं कोई अब हमें ये नहीं रह गया, ठीक है ना। अब क्या है, देखो हमने प्रतिशत को प्रतिशत से काट डाला, सुन्ना को हमने सुन्ना से काट डाला, और ये 10 को अगर मैं नीचे लेके जाता हूं तो क्या होगा, 3.2 बी बराबर होगा ए, है ना। तो मतलब ये जो हमें मिला हुआ है वैल्यू 240,000, इसको अगर हम 3.2 से गुना कर देंगे तो हमें ए की वार्षिक सैलरी निकल जाएगी। तो जिसके लिए देखिए हमने 3.2 से गुना किया, इस 3.2 से 240,000 जो इसकी सैलरी थी बी की उसे गुना किया तो निकला क्या, वार्षिक वेतन। अब उसे 12 से भागा दे दिया तो क्या निकल गया भैया, मासिक वेतन। 12 से किसी भी वार्षिक वेतन को भागा देंगे क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, तो किसी भी वार्षिक वेतन को अगर 12 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, मासिक वेतन। अब चलिए बड़े प्रेम पूर्वक काटते हैं इसे, 12 दूनी 24 होता है, ठीक है ना। ये तो कट के हो गया, 1, 2, 3, 4, तो हमने 4 सुन्ना बैठा दिया, अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,000 हो गया। अब 20,000 को 3.2 से गुना करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा, एक सुन्ना हट के, दशमलव का आपका जरूर सही है, और 32 को अगर 2 से गुना करेंगे तो आपको 64,000 मंथली सैलरी निकलेगा, तो ये निकल गया। अब जरा किताब के पीछे आप देख ले, वहां से ये काफी ज्यादा सीधा लगता है, तेजी से हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होता है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल जो है आपके सामने सुस्पष्ट हो चुका होगा। चलिए हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। यह भी एक अति साधारण और स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यह कंफ्यूजन अवश्य पैदा करता है। क्या है, यदि राम के वेतन का 50%, श्याम के वेतन का 30% है तो राम और श्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा। जरा एक समझ लीजिए इस बात को, इसे बिना कुछ किए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन मेथड से सीधा सीधा होता है। देखिए यहां पे दो संख्या है, 50%, 30%, जो भी अनुपात होगा इन्हीं से बनेगा, 50 और 30, और 50/30 करेंगे तो 5/3 होगा या 3/5 होगा, सीधी सी बात है। अब है कि यह सवाल उठता है कि यहां पे हमें दो ऑप्शन मिल गए, यहां पे हमें तो यह पता चल गया कि 50% और 30% का मतलब क्या है, या तो 50/30 होगा या 30/50 होगा। तो चलिए हमने ऐसे, या तो ये हो सकता है या आपका 30/50 हो सकता है, लेकिन होगा क्या ये पता नहीं चलता है। और देखिए 50/30 ये क्या होगा, 5:3 है, और ये है तो 3:5 है, होगा क्या, 5:3 यहां पे भी है, 3:5 यहां पे भी है। तो जरा समझ लेते हैं, राम के वेतन का 50%, श्याम के, तो राम का वेतन का 50%, चलिए लिखिए राम का वेतन का 50% बराबर बोलता है श्याम के वेतन का 30%। अब देखो अगर मैं 50 को इधर ले दूं, 50 को इधर रख दूं,
ठीक है ना, 50 को इधर अगर मैं लेके आ जाऊं, ठीक है, और श्याम को मैं इधर लेके आ जाऊं, तो क्या होगा? राम बटे श्याम होगा, राम ऊपर श्याम जो है ये नीचे चला आया, ठीक है। और यहां का 30 रह गया, ये देखो 30 ऊपर रह गया, और श्याम ये राम का वेतन का 50 जो है ये नीचे चला गया। तो हमें समझ में आ गया, देखो राम के वेतन का 50% बराबर श्याम के वेतन का 30%, लेकिन अगर लिखूंगा तो इस तरह से लिखना होगा, 30/50 उल्टा, 30 ऊपर आएगा ये नीचे जाएगा, आप समझ रहे हैं, 30 ऊपर रहेगा ये होगा, तो मतलब क्या होगा, 3/5 आंसर होगा, क्योंकि हमने 30/50 का सुनना सुनना कट जाएगा, तो 3/5 जिसको हम 3:5 बोलते हैं। तो मैंने इतने शब्दों का इसलिए खर्च किया कि हो कैसे रहा है, जबकि हम एग्जाम हॉल में क्या होता है, जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो फिर इन बातों को, यही छोटी बातें ही जो है अगर ठीक से नहीं होता है तो वो कंफ्यूजन पैदा कर देता है, हमें समझ में नहीं आता है कि अरे यह कैसे करूं। आशा है ये मैथ आपके सामने पानी की तरह स्वच्छ हो चुका होगा। देखिए, मैं जिस क्लास की बात कर रहा था वो 10 वीक की वीडियो क्लास होगी, ये 21 जनवरी से 7 अप्रैल तक चलेगा। ये कंप्लीटली रेलवे के लिए है, जिसमें गणित, तर्क शक्ति और साधारण अध्ययन जो है, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं इनमें सम्मिलित होगा, और ये रेलवे के लिए होगा। यहां पर जो प्लानिंग है, क्यों मैं वीडियो क्लास को एक साथ वीडियो देके नहीं कर रहा हूं, इसका कारण क्या है कि आपके पढ़ाई को जो है हम एक तरह से एक दिशा दे सकें, आप अच्छे तरह से विदाउट एनी प्रेशर से आप पढ़ सकें, और आप ये कर सकें कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे देखिए, हर सप्ताह गणित के 2 चैप्टर होंगे, तो 10 चैप्टर में क्या होंगे, आपके गणित के 20 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इसके रिवीजन प्लान में तरह तरह के मैथ आपको दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना है, तर्क। और ये जो गणित के 2 चैप्टर होंगे, ये क्या होंगे, इसकी वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। इस वीडियो से उस चैप्टर को संपूर्णतः सीखते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ जुड़ा हुआ जो बेसिक्स है उसे सीखते हैं। सीखने के बाद आप फिर प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। तर्क शक्ति का उसी तरह हर सप्ताह 2 चैप्टर होता है, तो हमने देखा कि 10 वीक में आपका तर्क शक्ति का तो केवल 17 चैप्टर है, तो मतलब 3 वीक पहले ही आपका तर्क शक्ति खत्म हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के मटेरियल्स मिलते हुए जाते हैं। साधारण अध्ययन जो, देखिए ये साधारण अध्ययन मैंने बोला है ना, एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर इसमें थोड़ा सा कम बेसी मार्क्स होता है तो पूरा संभालता है ये साधारण अध्ययन। इसमें देखिए हर सप्ताह को 10 पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ है क्या, जैसे समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ के ऊपर वीडियोज आते हैं। ये वीडियोज क्या है कि जैसे किसी मानव का पाचन तंत्र, अब ये पूरा का पूरा वीडियो के द्वारा समझाया गया है, और जैसे हमें 3000 सवाल जवाब तैयार करने हैं, तो हर सप्ताह केवल 300 सवाल जवाब, अगर आप ऐसे देखें तो हर दिन 50 सवाल जवाब। तो ये एक तरीके से सजाया हुआ चीज है, जिसे आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। क्या होता है कि मैंने, आप भी जानते हैं, एकाएक अगर बुक्स मिल जाता है, बहुत सारे मेटेरियल्स मिल जाता है, तो आपके दिमाग में यही आ जाता है कि अरे भैया मैं इसको करूं तो करूं क्या, क्योंकि कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, क्या करूं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और ये अगर सप्ताह वाइज एक है, तो मतलब है कि समझ लीजिए कि आपकी एक डेली रूटीन भी बन गई, और अगर डेली रूटीन भी बन जाती है, तो आप जब भी वक्त मिलता है, आप लोगों में से बहुत कोई नौकरियां कर रहे हैं तो उन्हें तो दिन में वक्त नहीं मिलता, ये तो वीडियो आपके पास आया हुआ है, और आप देख तो केवल 2 ही चैप्टर का वीडियो है, तो उतना बड़ा टेंशन भी आपके दिमाग में नहीं होता है। अब जानते हो पूरा का तो सर करवा देंगे, मेरे को तो खाली अभी इस सप्ताह में 2 चैप्टर है, चलो एक संख्या पद्धति का आ गया है और एक लाभ हानि का है, इसमें 40 के करीब मैथ है या 50 मैथ है, इसी पे मेरा पूरा सप्ताह का गुजारा करना है। तो फिर हर दिन का कितना मैथ करोगे यार, 10 मैथ बहुत हो गया ना, 10 मैथ सीखना कोई बड़ी बात नहीं होता है। उसी तरह तर्क शक्ति मिले, बहुत छोटा सा होता है, आप
सब कुछ छोड़ के नहीं उसमें गिरते हो। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे की करते हो तो नीचे के बहुत सारे परीक्षा जो है आप पकड़ लेते हो, आपकी उनकी भी तैयारी हो जाती है। तो साधारण अध्ययन का 10 पैराग्राफ समझ गए, क्योंकि खाली सवाल जवाब रटने से नहीं होता है, आपको तथ्यों को जानना भी है। अब ये आपका जो टोटल जो ये है, ये करीब करीब 100 आपके पैराग्राफ सीखने हैं। देखिए ये 100 पैराग्राफ में आपके, और ये सब वीडियोस में रहते हैं आपके, उसमें भूगोल के भी पार्ट जानने हैं कि भूकंप होता है तो कैसे होता है, बड़ा मजा भी आता है इसको पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं, मतलब ये सारे वीडियोज में है। और तो ये फ्लैट जो है आपका 300 सवाल जवाब है, जो आप वीडियो में ही आप उसकी रिवीजन करने के लिए अलग टाइप की आपकी पीडीएफ दी हुई है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब आप तैयारी करते हो तो मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपके YouTube में नहीं देने वाला हूं, YouTube में मैं क्या, हर कोई देता है। लेकिन मैं खुल के बोलता हूं, दूसरे कोई खुल के नहीं बोलते हैं कि वो समुचित नहीं होता है। समुचित इसलिए नहीं होता है कि आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को जैसे पढ़ा रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, तो वहां पे मेटेरियल्स ज्यादा होते हैं, वहां पे एक क्या कहते हैं, रेगुलर का तरह होता है। और ये आपके वीडियोस जो और जो ये मेटेरियल्स हैं आपके ईमेल पे मिलते हैं, भले आप एक व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो आप कोई भी अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ बड़े आराम से शेयर करते हैं। देखिए इसकी जो ट्यूशन फी है वो भी मैं बोलूंगा कि हिंदुस्तान में सबसे कम है। देखिए पहली माह है 800 रुपये, दूसरा माह है 600 रुपये, तीसरा माह है 500 रुपये। तो कहने का तात्पर्य ये है, और ये मटेरियल जो है हर सप्ताह के रविवार या सोमवार को आपके पास आ जाता है, और पूरा सप्ताह उस पर तैयारी चलता है, पूरा सप्ताह व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में तरह तरह की चीजें इसी पे आपको मिलता हुआ जाता है। तो एक संपूर्णता है, बातें कहें छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं इसमें, क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वालों में डाउट थोड़े कम होते हैं। उसका कारण क्या है कि आप भी देखें कि मेरी वीडियो में लोग बोलते हैं यार बोर भी हो जाते हैं बहुत, कि किसी चीज को मैं समझाता हूं तो 2 से 3 बार और सबसे छोटे तरीके से समझाता हूं, इसके लिए आप मुझे पसंद भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक वैसी तैयारी, जिस तैयारी को आप एक क्या कहते हैं ना, एक जामा पहना सकते हैं, एक आप मतलब क्या बोलूं मैं, एक आप मंजिल तक लेके जा सकते हैं। और अगर आपने सपना देखा है और इस बार जो रेलवे की इतनी भर्तियां निकल रही है, तो शायद ये आपके लिए काफी अच्छा सुनहरा वक्त होगा। तो आशा करता हूं कि मेरे को जो बोलना था मैंने बोला। जो लोग इस वीडियो क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ इसके साथ बने रहें, YouTube में मेरे साथ बने रहें। मैं कोशिश करूंगा उनको साथ भी पूरी तरह निभाना, और साथ ही साथ एक उनके लिए भी एक पैटर्न, वक्त का पैटर्न निकालना जो वो भी पूरा कर सके। तो चलिए इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूंगा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन नहीं दबाया है तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार अवश्य करें, क्योंकि आप कभी मेरे से मायूस नहीं होंगे। चलिए जय हिंद। इस सवाल को देखें, जूस की सप्लाई, जूस मतलब होता है फ्रूट जूस की बात कर रहा है ये, जूस की कोई सप्लाई है कुछ लोगों के लिए जो 35 दिन तक चलती है, यदि उसका खपत मतलब कंजम्पशन 40% बढ़ जाता है, जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। कहने का मतलब है कि भैया जूस कितना है बोला नहीं है, लेकिन जितना जूस है हर दिन जो पीते हैं उससे पिलाने वाला जानता है कि 35 दिन चलेगा। मुसीबत क्या हो गया कि लोग 40% ज्यादा पीने लगे। अब वो आदमी सोचता है कि भैया जितना जूस है कितना दिन चलेगा। अब देखो कितना बड़ा भैया, 40% बड़ा। 40% का मतलब क्या होता है, जरा हम लिखते हैं 100 प्लस 40,
40% बढ़ा मतलब 100 से और 40 जुड़ गया, तो ये हुआ 140। और अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम थोड़ा सा यहां पे परसेंट का चिन्ह मार देते हैं, 100% प्लस 40% बढ़ गया तो हो गया आपका 140%। और अगर 140% में है, इसे अगर संख्या में भिन्न में व्यक्त करना है तो क्या करना है, 140 बटे 100। क्यों, जब प्रतिशत किसी संख्या में लगा हो उसे अगर भिन्न में व्यक्त किया जाता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए सुनना सुनना काट दिया, 14 बटे 10 है, ये बराबर होता है 1.4। आप समझ गए, तो खपत को निकालने के लिए 40% जब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, कितना दिन होगा जानने के लिए 35 दिन को सीधा 1.4 से भागा देते हैं। अब चलिए 1.4 से भागा देते हैं तो हम कैसे भागा देते हैं जरा हम समझे। तो पहले अगर हम 1.4 से 35 को भागा देंगे तो क्या होगा, यहां देखिए 14 लिखे, ये पॉइंट गायब है, इसके जगह पे सुनना आ गया। अब हम करते हैं 14 दूनी 28, अब 35 से जैसे 28 लेस किए तो 7 आया, ठीक है 7 आया, फिर ये सुनना जो है ये सुनना उतर के यहां पे आया तो क्या हो गया, ये 70 हो गया। और 14 को अगर 5 से हम देते हैं तो क्या होता है, 14 पचे 70 हो जाता है, तो हमको ये आपके नीचे 70 से 70 घटाया तो काट कूट हो गया, ये 25 जो है ये हमारा आंसर हो गया, तो ये 25 है। तो यहां पे इतने में जो उसको हम करते हैं, आप भी जानते हैं हम क्या बोलते हैं इसे, स्टेप ओमिट मेथड, मतलब हमने जो समझाया आपको ये सारे जो बच्चे आपको लिखते हैं, हमें इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाया, आप तो इतने में करके खुशी खुशी निकलते हैं, लेकिन उसके लिए ये भागा भी आपको देना जरूरी पड़ता है। तो हम स्टेप ओमिट मेथड को हम अपनाते हैं और अपना के इतने छोटे में करके हम निकल जाते हैं। तो देखिए ये आपके लिए एकदम क्लियर हो चुका होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती थी लेकिन खपत 40% बढ़ गया तो उसके लिए क्या होगा, 1.4 हो जाता है। कैसे 1.4 हो जाता है, आप अब जान चुके हैं, 35 को 1.4 से भागा दिया, भागा हम लॉन्ग मेथड में देते हैं तो उससे जल्दी निकलता है, जबकि 14 से ऐसे भी आपका 35, अगर मैं 350 लेता तो ऐसे कट भी जाता, लेकिन एक लॉन्ग मेथड का थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रख लेते हैं तो ये भी उतनी ही तेजी में कर लेता है, बल्कि काटने के वक्त में ये तो कट गया, अगर भिन्न की संख्या आती है जो प्रॉब्लम होता है उस संख्या से आप उबर जाते हैं, उस वक्त कंफ्यूजन नहीं होता है जब आप लॉन्ग मेथड, यही देशी प्रथा जो है हमारी भागा देने की, उसको आप अपने दिमाग में और अपने प्रैक्टिस में उसको पूरी तरह से रप्त कर लेते हैं तो बड़ा आसान होता है। इस सवाल को भी देखिए, ये सवाल भी अति क्या बोलते हैं सामान्य सवाल है, हर वक्त आता रहता है और हर तरह के एग्जाम में आता रहता है, लेकिन इसे हम बिना एक्स माने एकदम आसानी से सवाल को संपूर्ण रूप से समझते हुए कैसे करेंगे, ब्लॉक मेथड में इसे हम सीखते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, मतलब पूरे ऑफिस में जितने स्टाफ हैं कर्मचारी हैं उसकी 40% महिलाएं हैं, सीधी सी बात है भाई, बच्चे तो नौकरी करने जाते नहीं होंगे, तो ऑफिस में क्या होगा, या लेडीज होगा या जेंट्स होंगे, अगर लेडीज 40% है तो जेंट्स कितना होगा, 60%, यह बहुत ही सिंपल है। तो मतलब 100 अगर है तो 40 लेडीज है तो 60 पुरुष है, इतने इस लाइन से हमें यह समझ में आ गया। अब 70% महिला स्टाफ, अब बोलता है जितने स्टाफ महिला है, महिला कितना है भैया, 40 है, 100 जन होगा तो 40 है, उसका 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, मतलब 40% का 70% विवाहित है और जेंट्स हमें मिला था क्या 60%, 60% का 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। तो कार्यालय में
अविवाहित अनमैरिड जिनकी शादी दिया जा सकता है वो का उनका प्रतिशत क्या है। देखिए हम तो खाली लिखते हैं लेडीज 40% बोला है तो मतलब हमने पकड़ लिया क्या है कि हमने पकड़ लिया कि पूरे कर्मचारी 100 हैं और उधर एक्स मानते हैं हम यहां क्या मान लिया 100 जो है टोटल स्टाफ है। लेडीज बोला है 40% ठीक है ना, लेडीज यहां क्या बोला है 40% तो हमने 100 में 40 लेडीज हो गया तो जेंट्स कितना होगा तो देखो जेंट्स है जो पुरुष है वो 60 हो जाएंगे। यहां से ये चीजें क्लियर हो गया। और अगर 40 जन लेडीज है तो उनका 70% क्या होगा, देखो 70% मतलब ये देखो कैसे होता क्या है इसको मुझवानी करते हैं। हम क्या करते हैं 4 को 7 से गुना कर दिया 28 हो गया, 2 सुनना हमें दिखता ही नहीं है हमने 28 लिख दिया। मामला क्या था थोड़ा समझ ले, 40 को अगर आप अगर 40 का 70% अगर लिखेंगे तो आप 40 का 70 लिखेंगे और प्रतिशत को आप भिन्न में जब बताएंगे तो क्या होगा बटे 100 लिखेंगे ठीक है ना। तो फिर हमने क्या किया ये सुनना इससे कट जाएगा और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 होगा। उसी तरह 28 का होगा, अब देखो 28 अगर है, 28 क्या है मैरिड है विवाहित है और कितने महिलाएं हैं 40 हैं तो अविवाहित कितने होंगे, सीधी सी बात है अविवाहित अगर 40 से 28 को घटाएंगे तो क्या होगा 12 होगा। और अगर 70% मैरिड है तो 100 से 70 घटाएंगे तो 30% होगा। तो अनमैरिड क्या है 12 जन है। अब देखो जेंट्स बोलता है जेंट्स हमें 60 जेंट्स हैं, 100 अगर कर्मचारी है तो उसमें 60 जेंट्स हैं मतलब पुरुष हैं, उनका 50% मतलब आधा होता है, आधा मतलब 60 का आधा क्या होगा 30 होगा ठीक है ना। ये क्या है ये महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 60 कर्मचारी में अगर 30 जन महिला है तो 30 जन क्या हो ये सॉरी 30 जन अगर विवाहित है तो अविवाहित कितने होंगे 30 जन। फिर से बोलते हैं 60 पुरुष में अगर 30 जन विवाहित है तो अविवाहित क्या होगा 60 से 30 घटाया तो 30 होगा। अब अगर देखो हम क्या लेके चल रहे हैं 100 लेके चल रहे हैं, अब 100 जन में अगर हम विवाहित कितने हैं 28 स्त्री विवाहित है 30 पुरुष विवाहित है जो जोड़ दिया 58 ठीक है ना। और अविवाहित कितने हैं लड़कियों में 12 जन अविवाहित हैं जो हमने पहले निकाला है, पुरुष में 30 जन अविवाहित हैं जोड़ देते हैं तो 42। मामला क्या है मामला यह है कि देखो ये 58% कैसे लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या होता है टोटल 40 और 60 कितने हुए थे 40 महिला 60 पुरुष मिलकर 100 जन हुए थे, 100 जन में 58 जन विवाहित हैं तो विवाहित 58 जन अगर 100 में है तो उसको प्रतिशत में बोला जाता है आप भी जानते हैं, इसलिए 58% विवाहित है और 100 से 58 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 42% निकल जाता है अविवाहित है। यह हमें क्या पूछा था अविवाहित पूछा था, अगर दोनों पूछा होता तो दोनों भी हमें पता है। तो देखो ये ब्लॉक मेथड अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बड़ी तेजी के साथ हो जाता है। तो आशा करता हूं कि इस तरह के सवाल को अब आप इस तरह से करेंगे क्योंकि इससे आपका समय को बचाना काफी जरूरी है। और अगर बोलते हैं सर इसमें भी तो वक्त लगता है तो जरा किताब के पीछे उलट के देख लो एक्स लेने के बाद आपके कितने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इस सवाल को देखें 312 का 66.2/3 प्रतिशत 200 रुपए से कितना अधिक है, हर जगह आता है यार इस तरह का। तो 312 का 66.2/3% चलिए देखो वही लिखा ना 312 रुपए का 66.2/3% वही लिखा है मैंने, रुपया 200 से कितना अधिक है
मतलब इससे ये माइनस करना है, माइनस रुपया 200, यही लिखा है ना, जो दिया हुआ था वही मैंने उतारा है, ठीक है। अब देखो 66 को 3 से अगर गुना करोगे तो क्या होगा, 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा। क्या हुआ, ये पेन क्यों नहीं आ रहा इसका, हाँ 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा 1, और 3 से फिर 6 को गुना किया, 3 छक 18 और 1 19, मतलब 119 हुआ, 198 हुआ, प्लस आपका 2 रुपया हुआ। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। तो देखिए ये 200 यहां पे हमने लिख दिया, और 3 तो नीचे बटा था ना, बटा 3, तो ये 3 आ गया। तो देखो 312 यहां था, 312 यहां लिखा, का मतलब गुना होता है, गुना का चिन्ह दिया। 200 कहां से आया, 66 पूर्णांक 2 बटे 3 को जब हम कर रहे थे, 3 से जब 66 को गुना किया तो 198 हुआ, ऊपर 66 पूर्णांक 2 बटे 3 था तो 2 जो है यहां जुड़ गया, होके 200 हो गया, ये 200 यहां लिख दिया बटे 3, और यहां प्रतिशत है। तो प्रतिशत को भिन्न में लिखने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भागा दिया जाता है। तो देखो नीचे 100 है, अब हमने इससे इसे काटा, ठीक है, इससे इसे काटा, और 3 से जब हम काटते हैं, 312 है तो क्या होगा, 3 एकम 3 1 लिख दिया, 1 में नहीं जाएगा, 0 बैठेगा, और हो गया 12, अब और 3 चौके 12, तो मतलब 104 गुना 2, तो 104 को अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ये आपका टोटल जो होगा 208 हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा 208। और जब 208 से आप हम 200 लेस करते हैं तो 8 रुपया अधिक होगा। अगर आपको भिन्न में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रतिशत का मेन कंसेप्ट में किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में करना है तो क्या है, नीचे जो 100 लिखा जाता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर इस मैथ को समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, और उस उसमें अगर अब ये प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के पीछे देखेंगे कि एक लिंक दिया हुआ है, वह है बेसिक्स मैथ का, या मेरे अगर आपके पास मेरे बेसिक्स मैथ का फोल्डर है उसमें प्रतिशत के बेसिक्स को जरा देख लीजिए, तो फिर आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन ये सर्वत्र हर परीक्षा में पाए जाते हैं, और पुलिस के परीक्षा से रेलवे के परीक्षा से किस किस परीक्षा का नाम लूं, यहां तक कि SBI PO के भी एग्जाम में ये 2 साल पहले आ चुका है। तो यह क्या है, हर परीक्षा में पाया जाने वाला एक प्राणी है। वेलकम टू DD Academy। फर्स्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल बटन। After you will get every video update notification. ये मैथ भी उसी तरह का एक मैथ है जो हर जगह दिखता है। बोला गया है कि मुकेश के पास सोहन से दुगुनी धनराशि है, कितना है नहीं बताया भैया। दूसरा फिर दोबारा बोलता है, देखो मुकेश एक है जो सोहन से दुगुनी धनराशि है, फिर बोलता है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। सोहन के साथ दुगुना तिनगुना नहीं बोला, 50% बोला, एक सोच वाली बात हो गई यहां। अब देखो कौन कौन कैरेक्टर है अभी, मोहन, सोहन और पंकज, 3 कैरेक्टर आ चुके हैं। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। आपके किताबों में जैसे भी दिया हुआ हो, आप तो जानते हैं कि DD रॉय के क्लास में, DD एकेडमी के क्लास में चीजों को बहुत ही सहज करके करने का हमारा सोच रहता है, हमारा विचार रहता है। तो जैसे हम ब्लॉक मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक मेथड्स में आज तक 24 लाख लोगों ने देख के इसे सराहा है, तो चलिए इस ब्लॉक मेथड में हम फटाफट कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। हम पहले मुकेश का यार M लिख दिया, चलो M मतलब मुकेश, ठीक है ना।
अब देखो फिर लिखा सोहन है, सोहन को हमने एस से लिख दिया। फिर पंकज है, पंकज को हमने पी से लिख दिया। अब देखो ये 50% जो मामला है, जब भी ये होता है ना, तो 50% बराबर आप जान लो, एक ट्रिक्स है, आप इसे दो ले लो। तो हमने यहां से शुरू किया, कहां से देखो उल्टा से, पी से शुरू किया, एम से नहीं शुरू किया, ध्यान देना। पी 50% बराबर हमने बोला कि चलिए इसके पास 2 रुपया पकड़ लेते हैं, बात खत्म हो गई। अब सोहन के पास कितना होगा, सोहन के पास पंकज से, मतलब बोला है सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, ठीक है ना? सोहन से के पास पंकज से 50%, पंकज का अगर 2 है, पंकज का अगर 2 बराबर है आपका, पंकज का 2 है 50% अधिक है, तो मतलब क्या है, अगर मैं सोहन को 3 लेता हूं, 3 को अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2+1, जरा हम सोच इसको समझ लेते हैं एक बार, बाद भी अपने को दिमाग में आता है, कुछ मैथ वैथ करने की जरूरत नहीं होता है। तो देखो ये हम 3 किसका लिया है, हमने इसे सोहन का लिया है, मतलब क्या है, 3 में क्या है, 2+1 है, 3 किससे बना है, 2+1, 2 क्या है, 2 क्या है, पंकज है, और पंकज का 1 मतलब क्या है, 2 का आधा 1 होता है, तो मतलब सोहन के पास जितना है, सॉरी पंकज के पास जितना है उसका आधा जो है, मतलब सोहन के पास जितना आधा है वो 50% है, ठीक है ना? ये 50% हो गया, ये 50%, मतलब यहां कहने का मतलब सोहन बराबर क्या हुआ, पंकज प्लस आधा पंकज, पंकज प्लस आधा पंकज। अब ये कहीं ज्यादा कंफ्यूज, अब मेरे को लगता है ये डिटेल करते हुए कहीं आपकी कंफ्यूजन बढ़ती हुई जा रही है, तो इसको यहां ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, मतलब पंकज के पास जितना है वो और प्लस आधा पंकज होना चाहिए, 50% का ज्यादा है, 50% ज्यादा है, मतलब 50% ज्यादा, मतलब 100+50, यही इसका मतलब यही होता है, मतलब 150%, डेढ़ा, 150% मतलब डेढ़ा, डेढ़ा मतलब अगर 2 इसके पास होगा तो सोहन के पास 3 होगा। और क्या बोलता है, मुकेश के पास सोहन से दुगुनी राशि है। अब मुकेश के पास जो है सोहन से दुगुनी राशि, अब सोहन के पास तो भाई 3 है, तो मुकेश के पास क्या होगा, 6 होगा। अब ये कुल मिला के कितने हो गए, जरा देख लो, अगर रुपए में पंकज के पास 2 रुपया होगा तो सोहन के पास 3 रुपया होना चाहिए, 3 और 2 5 हो गया, और अगर सोहन के पास 3 रुपया है तो मुकेश के पास 6 रुपया होना चाहिए इन शर्तों के अनुसार। तो टोटल ये अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, ये 11 होगा, ठीक है। अब बोलता है कि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये है। औसत मतलब क्या होता है, कि सबका जोड़ और जितने जन है उससे भागा, ठीक है, तो आप औसत के क्लास में जानते ही हैं। तो देखो मोहन सोहन और पंकज के पास टोटल कितने थे, तो चूंकि ये 3 जन थे तो इसलिए 3 से गुणा कर दिया, तो ये बराबर क्या हो गया, 330 हो गया। तो 330 तीनों के पास मिला के 330 रुपए थे। इस औसतन धनराशि 110 का मतलब हुआ, चूंकि 3 जन थे हमने 110 को 3 से गुणा कर दिया, 330 रुपए हो गए। अब है कि इसमें भाग का कंसेप्ट आता है। देखो भैया अगर 11 रुपए में पंकज का 2 रुपया होना है, 11 रुपया, तो 330 में 11 को अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, 30 भाग होता है। ये 30 क्या है, इसको हम बोलेंगे 30 भाग, या इंग्लिश में बोलेंगे 30 parts,
तो ये 30 भाग हैं, एक भाग में पंकज का 2 रुपया है, तो 30 भाग में पंकज का कितना होगा, 60 रुपया होगा। फिर एक 11 रुपए के एक भाग में, कुल भाग में 11 के कुल भाग में 3 भाग आपका किसका है, सोहन का है, तो 30 भाग में सोहन का क्या होगा, तो 30 को 3 से गुणा कर दिया, 90 हो गया। अब फिर बोलता है कि एक भाग में मुकेश का 6 रुपया है, तो 30 भाग में मुकेश का क्या होगा, 3 × 6 = 18, 180 रुपया हो गया। देखो हम एक बार में सारे सवाल का जवाब निकल गया। ये तो थोड़ा आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया, ये सब तो आपको लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये सिंपली इसमें होता है। और हमें पूछा गया था भी क्या, फाइंड द अमाउंट व्हाट मुकेश पॉसेस, मुकेश के पास कितना रुपया था, मुकेश के पास कितना रुपया था, ये पूछा गया था। तो मुकेश के पास कितना, 180 रुपया था, तो हमने यहां पे टिक मार दिया। यहां पे इस तरह से करते हैं, तो अगर तीनों का अलग अलग पूछता है तो किताब में देखिए जैसे किया गया, सबको अलग अलग से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन ये वास्तव में अगर देखा जाए, तेजी से किया हुआ एक ब्लॉक मेथड है। इस तरह का सवाल भी हर जगह देखा गया है, हर जगह। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो इस सवाल का मतलब होता है कि अगर एक दिन को 100% मान लिया जाए, तो 30 मिनट 100% का कितना प्रतिशत है। देखो इसे हम स्टेप सॉमिट मेथड में करेंगे और एक समझते हुए जल्दी में करेंगे, लेकिन जरा ध्यान देंगे हम कैसे कर रहे हैं। पहला देखो, 24 घंटे को हमने 100% मान लिया, लेकिन यहां 30 मिनट की बात कर रहा है, तो घंटा तो काम नहीं चलेगा, तो घंटे को हमने 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, 24 × 60 = 100%। और हमें चाहिए 30%, तो 24 × 60 जो है, देखो इसे हमने यहां पे ला दिया पूरा, 100 तो ऊपर ही है, 30 को यहां रख दिया। आपके पास ये क्लियर हो गया, चलिए फटाफट काट देते हैं, 30 × 60, चलिए हो गया, 2 से 100 को काटा हमने, तो ये 50 हो गया, और 50 को ये 2 काट दिया, अब ये 24 को काटते हैं, 2 से काटते हैं, 12 × 24, और ये 50 जो कटके हो जाता है, ये 25 हो गया। चलिए ये हमारे पास जगह थोड़ा कम है, अब ये 25/12, ये आपका 25/12 आ गया। अब देखिए 25/12 को फटाफट दशमलव लाभ में लाने के लिए हम सीधा सीधी जो देशी भागा देते हैं, तो 25 लिखा, अब 2 बार भागा दिया, तो 12 × 24 हो गया, 1 बच गया, 1 दशमलव डाला, तो देखो 10 हुआ, 12 में 10 तो नहीं जाएगा, तो इस शून्य को 1 शून्य और लिखा, और यहां भी 1 शून्य लिख दिया, अब क्या हुआ, 2.0 हो गया, यहां 100 हो गया, अब 8 से भागा दिया, 8 × 96 हो गया, 100 से 96 लेस किया तो 4 हुआ, चूंकि दशमलव था तो ऑटोमेटिक 1 शून्य यहां आ गया, 40 हुआ, और 12 × 36 लिखा। अब देखो ये फिर से 40 को से अगर 36 लेस करते हैं तो क्या 4 आएगा। अब देखो ये चूंकि दशमलव तो हर बार क्या कहते हैं दशमलव आता ही जाएगा, तो मतलब क्या है कि और हर बार 3 से कटता जाएगा, तो कहने का मतलब ये जो ओरिजिनल आंसर है 2.0833, ये 3 बार तक, ये मतलब अनंत बार तक चलता हुआ जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये 2.083% हुआ जो ये आंसर रहा। तो देखिए रेलवे को छोड़ के, CHSL को छोड़ के, एक पुलिस की साधारण नौकरी है, मतलब उस लेवल से लेके आपके किस लेवल में सवाल नहीं है, कोई भी किताब उठा लेके रख देख लीजिए, इस तरह के सवाल आते ही हैं, इसलिए इसे हल्का समझ के कृपया नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, तो सवाल है भैया 25% जो है वो कितने होते हैं,
देखो 25% बराबर होता है 1/4 या 1/4, ये तो जानते ही हैं। 1400 छात्र में 25% चश्मा लगाते हैं तो 25% बराबर क्या होता है 1/4, मतलब 1400 को हमें 4 से भागा देना है। इस सवाल में इसने बताया कि भैया 1400 को 4 से भागा दे दीजिए, चूंकि 25% है तो कितने छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो चश्मा लगाते हैं आपको पता चल जाएगा। हमने भी चलो पता कर लिया, 350 होते हैं। अब हम ब्लॉक मेथड्स में उतर जाते हैं। 25% चश्मा पहनते हैं, वो संख्या क्या है 350। अब बोलता है कि और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, मतलब इस 350 में कहने का मतलब है 2/7 लड़के हैं, तो हम 2/7 को 300 से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कि 350 को अगर 7 से भाग देंगे 5 × 7 = 35 और 0 हो गया, और 50 को 2 से गुणा कर दिया तो 100, मतलब कितने लड़के चश्मा पहनते हैं 100 लड़के चश्मा पहनते हैं। तो बच गए, बच जो गए वो क्या है, गाय भैंस तो नहीं होगा भैया, स्कूल में लड़के जाते हैं या लड़कियां जाते हैं, माता पिता भी नहीं होंगे। तो 350 में अगर 100 लड़के हैं तो 250 लड़कियां हैं जो चश्मा पहनती है, बड़ा सिंपल सा है। तो लड़कियां कितना चश्मा पहनती है, हमें निकल गया 250। तो फिर देखो ये हमें क्या बताया, 1400 छात्र है, 25% चश्मा लगाते हैं, 25% बराबर 1/4, तो 1400 को 4 से भागा दे दिया, 350 हो गया। अब 350 जो चश्मा पहनते हैं उसमें 2/7 लड़के हैं, तो 2/7 गुना 350, 7 से काटा 50, 50 से 2 से गुना किया 100, 100 लड़के हैं, तो 350 से 100 घटा दिया तो 250 लड़कियां हैं, वो निकल जाता है। बस अनुरोध करूंगा किताब के पीछे देखिए एक से, ये आपको काफी आसान और फास्ट लगेगा ये ब्लॉक मेथड। आप लोगों ने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, आधा घंटा से ज्यादा इस क्लास में आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरे को लगता है कि कुछ और भी गणित की प्लेलिस्ट को या गणित के टाइप को आपको देना चाहिए, आपको बताना चाहिए, इसके लिए मैंने ये सारे लिंक आप लोगों को दिए हुए हैं। और आशा करता हूँ कि आपका प्यार और आपका मान्यता मेरे लिए बरकरार रहेगा। साथ ही मैं बोलता हूं कि अगर कोई छात्र पहली बारी से देख रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए किसी काम का हूं, तो बस इतनी गुजारिश होगी कि आप मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को दबाएं। ओके देन, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू।